नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, यदि आपको ब्रेन से रिलेटेड या नसों से रिलेटेड दर्द होता हो, आपकी पूरे नसों में दर्द हो रहा हो, ब्रेन में आपको मिर्गी या मिर्गी जैसे कोई सिम्टम्स आ रहे हो, पूरी बॉडी में एक हो रहा हो, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा हो, चाहे सुबह उठते टाइम या दिन में, या अकड़न हो रही हो, या हाथ पैरों में सूजन आ रही हो, या इस तरह की प्रॉब्लम हो, या हाथ पैरों में सूनापन आ रहा हो, तो दोस्तों आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। इस चीज के मैं बारे में आज बात करने वाले हैं, मतलब इसमें कौन सी दवाई दी जाती है। वैसे मैंने आपको प्रीगैबेलिन के नाम से एक वीडियो पहले से अपलोड कर रखा है, जो इस बीमारी में बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन दोस्तों, प्रीगैबेलिन के साथ में मिथाइल कोबालामिन और आ जाए, या इसके साथ में इसको और दे दिया जाए, तो सोने पे सुहागा होगा, मतलब बीमारी को बहुत जल्दी से रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों, आज इसी के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ, जैसे कि दोनों कैसे काम करती है, कौन कौन सी बीमारी में इनको दिया जा सकता है, क्या साइड इफेक्ट होता है, इनकी कितनी डोज देनी चाहिए, वो डोज कौन सी ब्रांड्स में आती है, मेडिकल स्टोर पर किस ब्रांड के नाम से आपको मिलेगी, और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, मीन्स कौन से आपके मन में कंफ्यूजन है, कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी बातों का अपन डिस्कस करेंगे एक एक लेके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जरूर बात बोलूंगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें, और आप इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें, ताकि उन सभी दोस्तों को, फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को भी दवा का नॉलेज मिले, और प्रॉपर तरीके से दवा लेने से जल्दी से ठीक हो जाएं। सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों, ये दोनों दवाइयां कैसे काम करती है। तो आपको पता होगा, जब दोनों दवाइयां देते हैं हम, चाहे टेबलेट या कैप्सूल लेते हैं, दोनों का हमारी बॉडी में जाता है, आहार नाल में जाता है, वहां उसका एब्जॉर्प्शन होता है, और उसके बाद में हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच के वो हमारा दर्द ठीक कर देती। तो कैसे ठीक करती है दोस्तों, प्रीगैबेलिन जो हमारे स्टोमक के और आहार नाल से होती हुई ब्रेन पे पहुंचती है, और ब्रेन में जो अनवांटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थे, जो न्यूरॉन्स द्वारा जनरेट हो रहे थे, उन की गतिविधियों को डाउन कर देता, जिससे क्या होता है, पेशेंट को मिर्गी के दौरे या जो इस तरह का दर्द महसूस हो रहा था, वो दर्द धीरे धीरे कम होने लग जाता है। इस तरह से पेशेंट को बहुत जल्दी फायदा आ जाता है। दोस्तों, मिथाइल कोबालामिन विटामिन B12 को बोला जाता है। ये बेसिकली क्या करता है, जब दर्द होता है या प्रॉब्लम हो रही होती है, तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं, डैमेज होने की वजह से वो उनमें बहुत प्रॉब्लम लग जाती है, जिसमें पेशेंट में सिम्टम्स आते हैं। मिथाइल कोबालामिन क्या करता है, इसको वापस रीजनरेट कर देता है, जिसको अपन माइलिन शीथ बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। जल्दी से ठीक हो जाते हैं, तो पेशेंट को रिकवरी बहुत जल्दी आसानी से हो जाती है। मिथाइल कोबालामिन और प्रीगैबेलिन आपस में मिलके किस किस बीमारी में दिया जा सकता है, जैसे बटोबियस ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, मतलब एक तरफ बॉडी की, सिर की तरफ नसों में दर्द होता है, दूसरी तरफ नहीं होता, जिसको ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया बोलते हैं, मतलब न्यूरॉन्स की वजह से दर्द हो रहा होता है, तब इसको बहुत अच्छा यूज किया जा सकता है। आपके स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हो रही हो, न्यूरॉन्स डैमेज हो गई हो, उसमें भी इसको बहुत अच्छा यूज किया जाता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में दर्द हो रहा होता है। आपके ब्रेन में रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, जिसको अपन मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं, उसमें इसको यूज किया जाता है। फाइब्रोमायल्जिया, मतलब न्यूरॉन्स में दर्द होता है, जिसे पूरी बॉडी में एक होने लग जाता है, पूरी बॉडी में दर्द होने लग जाता है। जनरली ये प्रॉब्लम जैसे सुबह उठते टाइम बड़ी ज्यादा दिक्कत होती है, ऐसी सिचुएशन में इसको यूज किया जाता है। पोस्ट स्ट्रोक पेन में भी इसको यूज किया जाता है। पोस्ट स्ट्रोक पेन का मतलब है, किसी पर्सन को ब्रेन हेमरेज या स्ट्रोक आया है, उसके बाद में उसको दर्द रहने लग जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, पेशेंट की न्यूरॉन्स या उनमें डैमेज हो जाता है, ये बहुत जल्दी उसको रिकवर करता है। उसी तरीके से डायबिटिक न्यूरोपैथी में यूज किया जाता है। डायबिटीज पेशेंट्स को प्रॉब्लम क्या होती है, पैरों में सूनापन रहने लग जाता है, या इन जनरल भी किसी पर्सन को या पेशेंट को सूनापन रहने लग जाता है हाथ पैरों में। इसका मतलब यह है हुआ कि दोस्तों, उसके न्यूरॉन्स में कमजोरी आ गई, उसके नसों में कमजोरी आ गई, और ये दोनों दवा मिलकर नसों की
कमजोरी को दूर करता है। तो इस तरह से दोस्तों इसका बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं इस दवा को लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हालांकि जो साइड इफेक्ट बहुत नॉर्मल से हैं, जैसे किसी लेने से आपका जी खराब हो सकता है, वॉमिटिंग या उल्टी हो सकती है, आपको दस्त भी लग सकते हैं, आपको भूख ना लगे ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। दोस्तों इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा पसीना महसूस हो सकता है, आपको नींद आने जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, या आपको आँखों में या कुछ कॉन्सेंट्रेशन करने में दिक्कत हो सकती है, और आपको चक्कर आने इस तरह की दिक्कत भी हो सकती है। दोस्तों ये बहुत जल्दी दवा लेने से क्या होता है, जल्दी से पेशेंट एकोमोडेट हो जाता है, मतलब उसको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको परेशानी हो रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें ताकि आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। दोस्तों प्रीगैबेलिन और मेथाइल कोबालिन की डोज कितना देना चाहिए, तो जब बात डोज की आती है तो पेशेंट का उम्र कितना है, पेशेंट का वजन कितना है, या पेशेंट को किस तरह की बीमारी है, जैसे बहुत तरह की अलग अलग मैंने बीमारी बताई, उसके अलावा और उसके साथ में एसोसिएटेड कौन सी बीमारी है, दोस्तों इन सभी को ध्यान में रखते हुए पेशेंट की डोज डिसाइड की जाती है। वैसे एक जनरल तौर पे प्रीगैबेलिन को 75 mg दिया जाता है, उसके साथ में मिथाइल कोबालामिन 750 या 1000 μg दिया जाता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में दवा आती है। तो दोस्तों ये हो गया डोज, आपको सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करना। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना ब्रांड्स या ये डोज या कॉम्बिनेशन किस ब्रांड्स के नाम से आती है, आप जो आपको मेडिकल स्टोर पे मिलेगी। ये आता है पहला प्रीगैबेलिन M75, प्रीगैबेलिन से थोड़ा सा रिलेशन आपको प्रीगैबेलिन से और M से मिथाइल कोबालामिन, यहाँ पे 75 प्रीगैबेलिन का डोज आ गया। जो टोरेंट फार्मा बनाता है मैक्सगैलिन M75 नाम से अभी आता है, प्रीगाबा M75 नाम से भी आता है, जो यूनिकेम बनाता है प्रेगा स्टार M75 आता है, जो लुपिन कंपनी बनाती है दोस्तों इसके बाद में न्यू गाबा M75 आता है, उसके अलावा प्रेगा डॉक MSR 75 आता है। यहाँ पे SR का मतलब ये होता है दोस्तों सस्टेन रिलीज टेबलेट है, मीन सस्टेन रिलीज का मतलब काफी देर तक धीरे धीरे रिलीज करेगी, मतलब इसका इफेक्ट ज्यादा टाइम तक रहेगा। दोस्तों ये हो गया, उसके बाद में प्रीगैबेलिन X75 आता है, उसके अलावा प्रेगाबैक्टिन M75 आता है, और इसके बाद में महागाबा M75 आता है जो मैनकाइंड बनाता है। इस तरह की सारी टॉप ब्रांड्स है जो आपको मेडिकल स्टोर पे, लीडिंग मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगी। दोस्तों प्रीगैबेलिन और मिथाइल कोबालामिन को जब देते हैं पेशेंट को, तो आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों सावधानी रखेंगे तो आपको बहुत जल्दी आराम आएगा, कोई भी आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना, डॉक्टर की सलाह से लेना है दवाई। दोस्तों खाना खाने के बाद में आप दवा लेंगे तो ज़्यादा इफेक्ट आएगा, मतलब उसका उचित उपचार होगा पेशेंट का। पूरी दवा लेंगे, पूरा डोज लेना है, क्योंकि आपको कोई डोज डिस्टर्ब नहीं हो। आप यदि शराब पी रहे हैं या शराब पीते हैं तो आपको दोस्तों इमिडिएटली शराब का सेवन बंद कर देना चाहिए इस दवा के साथ में, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आप गर्भवती माँ हैं या बच्ची को दूध पिलाने वाली मदर है, या आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको डॉक्टर की सलाह बिना बिल्कुल भी दवा नहीं लेनी चाहिए। इमीडिएटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और यदि आपको इन दवाओं से एलर्जी है तो आपको दोस्तों इमीडिएटली इस दवा को स्टॉप करके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दोस्तों यदि आपको लीवर और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको दवा लेते टाइम या डोज लेते टाइम या आपका डॉक्टर आपको दवा प्रिस्क्राइब करते टाइम कंसल्ट जरूर कर लें कि मेरे को लीवर या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। क्योंकि दोस्तों इन दोनों से प्रॉब्लम होती है तो जनरली जो दवा दी जाती है या तो कोई दूसरी सेफ दवा दी जाती है या आपकी डोज कम कर दी जाती है, ताकि आपको लीवर और किडनी से रिलेटेड कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब आता है ध्यान देना इसको कितनी डोज लेनी चाहिए। दोस्तों सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना, और आपको डोज लेनी है वो डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग ही लेनी है। क्या इस दवा को अचानक बंद कर सकते हैं क्या? दोस्तों बिल्कुल नहीं, इस दवा को अचानक बंद नहीं करते, धीरे धीरे टेपर करके बंद करते हैं, वो भी
डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग। दोस्तों दवा को कितने दिनों तक लेना चाहिए दोस्तों, इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको बीमारी क्या है, किस तरह का दर्द है, इस बात पे निर्भर करता है कि आपको दवा कितनी देनी लेनी चाहिए। तो ये ध्यान रहे आपको जितना प्रिस्क्रिप्शन लिखा है उतना पूरी दवा लेनी है ताकि आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ना हो। जब ठीक हो जाऊं तो दवा कितने दिनों तक लेना होता है तो दोस्तों इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी प्रॉब्लम और किस तरह की प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है जो आपको ऐसा लगता है कि मैं ठीक हो गया, लेकिन वो उस टाइम ठीक हो गए हो समझ में आता है, लेकिन वो दवाएं आपको लगातार कंटिन्यूस मोड में भी लेनी होती है ताकि आपको वो पूरी की पूरी रिकवरी हो जाए और उसके बाद में धीरे धीरे दवा को कम करके डॉक्टर की सलाह से ही आपको उस दवा को बंद करना चाहिए, नहीं तो आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों क्या इस दवा को लेने से आदत पड़ सकती है? कि बिल्कुल दोस्तों इस दवा को लेने से आपको आदत पड़ सकती है। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को आदत पड़ने लग गई तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका ऑल्टरनेट लेना चाहिए ताकि आपको इसका आदत ना पड़े। दोस्तों क्या इस दवा के साथ में डाइजेपाम ले सकते हैं क्या? वैसे दोस्तों डाइजेपाम नींद की दवा है तो यदि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तो डाइजेपाम इस दवा के साथ आप ले सकते हैं ताकि आपको बहुत जल्दी रिकवरी मिलेगी। दोस्तों इसके साथ में नेक्स्ट सवाल आता है दोस्तों क्या इस दवा को लेने से मोटापा आ सकता है क्या? बिल्कुल दोस्तों इस दवा को लेने से मोटापा आ सकता है। तो ध्यान रहे आप ज्यादा चिंतित ना हो, डॉक्टर से कंसल्ट करके आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। दोस्तों इस दवा को लेके ड्राइविंग कर सकते हैं क्या? जैसा मैंने साइड इफेक्ट बताया, इस दवा को लेने से आपको क्या होगा, ड्राइविंग करते टाइम चक्कर भी आ सकते हैं, आपको नींद भी आ सकती है। ऐसी सिचुएशन में आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। यदि आप ऐसी सिचुएशन में ड्राइविंग करेंगे, मतलब इस दवा को लेकर ड्राइविंग करेंगे, तो आपको कॉम्प्लिकेशन या कुछ मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों इस बात से अवेयर रहें, बिल्कुल ध्यान रखें। क्या इस दवा को बच्चों को दे सकते हैं कि? दोस्तों इस दवा को 18 साल के बच्चों, कम उम्र के बच्चों को जनरली नहीं दी जाती। तो ध्यान रहे आपको बच्चों को ये दवा बिल्कुल नहीं देनी। क्या इस दवा को डायबिटीज पेशेंट ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि डायबिटीज पेशेंट को डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है जिसमें पेशेंट को सूनापन रहने लग जाता है हाथ पैरों में। यदि सूनापन रहता है तो इस दवा को ले सकते हैं और उनको पेशेंट को बहुत जल्दी रिकवरी होती है, क्योंकि दवा बहुत अच्छी कारगर होती है इस तरह की प्रॉब्लम में। दोस्तों आप बीमारी नहीं हो या आपको इस तरह की प्रॉब्लम का सामना ही नहीं करना पड़े, आपकी पूरी की पूरी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, उसके लिए आपको उसको इम्यूनिटी बूस्टर्स खाने चाहिए। यदि आपको खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और आप वहां जाके खरीद सकते हैं। ये ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स है और यहाँ इसको खरीदेंगे तो आपको इस लिंक के थ्रू खरीदेंगे तो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा। दोस्तों प्रीगैबलिन और मिथाइल कोबालिन के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इसी के साथ में लास्ट में ही जो बोलूंगा, आपको जो भी दवा लेते हैं डॉक्टर की सलाह से प्रॉपर मेडिकल स्टोर से लें जहां पे आपको फार्मासिस्ट अवेलेबल मिले और वो जो पूरी जानकारी दे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। दोस्तों अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को इनेबल कर ले और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्किल को, फैमिली मेंबर्स को इस जानकारी को जितना हो सकता शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इस जानकारी फायदा मिल सके। दोस्तों यदि आपको ये काम अच्छा लगा, सपोर्ट करना चाहते तो थैंक्स का बटन दबाना ना भूले। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वंस अगेन।